हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। महाराज, हमारे राज्य की दक्षिणी सीमा से सूचना मिली है कि इन दिनों देश के चारों ओर से ऋषि मुनि गोदावरी तट पर पंचवटी की ओर जा रहे हैं। पंचवटी की ओर? कारण? महाराज, उसके निकट महामुनि अगस्त्य का आश्रम है। सुना गया है कि महामुनि अगस्त्य ने गत 12 वर्ष से जलशैया का कठोर व्रत धारण कर रखा है। वो गत 12 वर्ष से जल में ही वास कर रहे हैं। अब उस व्रत की दीक्षा समाप्त करके वो जल से बाहर निकलने वाले हैं, इसीलिए ऋषि मुनि उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। महाराज, आपको इस घटना की सूचना देना मैंने अपना कर्तव्य समझा। बहुत सुखद सूचना है। यह सुनकर हमारे मन में एक विचार आया है, ऐसे अवसर पर हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। इस समय हमारे मन में महर्षि अगस्त्य के दर्शनों के लिए पंचवटी जाने का जो संकल्प उत्पन्न हुआ है, उसके लिए हमारे मंत्रीगण हमें अपना परामर्श दें। पूज्य गुरुदेव इस समय अयोध्या में नहीं है, अतः उनकी अनुपस्थिति में महर्षि जाबाली ही हमारे लिए गुरुपद पर आसीन है। आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि इस समय हमारे लिए क्या उचित है। राजन, आपका संकल्प अति उत्तम है। पूज्यपाद महामुनि अगस्त्य ने इतने महान और कठिन व्रत का सफल अनुष्ठान किया है। उनके इस अनुष्ठान से आध्यात्म और विज्ञान दोनों विद्याओं के मार्ग बहुत आगे तक प्रकाशमान हो जाएंगे। राजा को चाहिए ऐसी महान विभूति और ऐसे महान कार्य के सम्मान के लिए स्वयं महामुनि के स्थान पर जाकर उनकी वंदना करें। साधु, 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 साधु। आपके मार्गदर्शन से हम अनुग्रहित हुए, हम आज ही पंचवटी की ओर प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मण। आज्ञा महाराज। हमने पुष्पक विमान से कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर हम उसे मंगवा लेंगे, सो उसे मंगवा लो। जो आज्ञा। See you.
सबके अधीन। आपने 12 वर्ष तक जलशय्या का जो कठोर व्रत धारण किया था, आज उस जल शयन व्रत की दीक्षा समाप्त करके आप परम पुण्य के भागी हुए हैं। उसी के लिए आपको बधाई देने सब देवता आए हैं। तीनों लोक में आपकी जय जयकार हो रही है। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। आपकी कीर्ति कभी धूमिल न हो। मैं दशरथ पुत्र राम अपने अनुज सहित भगवान अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है राजन। हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान, आपके इस महान तप की शोभा सुनकर हम यहां आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। नरश्रेष्ठ,
आप यहां पधारे ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं, फिर भी आप मेरा मान बढ़ाने मेरी कुटिया में पधारे ये मेरा परम सौभाग्य है। आप मेरे परम आदरणीय अतिथि हैं, मैं आपके श्री चरणों में कुछ भेंट करना चाहता हूं, इसे स्वीकार करें प्रभु। सौम्य, ये स्वयं विश्वकर्मा के हाथ का बनाया हुआ आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। इस धरती पर इसे धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें। भगवान, क्षत्रिय के लिए दान लेना निंदनीय है, मैं ये भेंट कैसे स्वीकार कर सकता हूं? राम, राजा में इंद्र का अंश होता है, इस कारण आप इंद्र रूप में मुझे अपना भक्त समझकर यह आभूषण स्वीकार करें, इससे मेरा उद्धार होगा। ये आभूषण आपके वंश में आपके पुत्र पौत्रों की शोभा बढ़ाता रहेगा। मेरे पुत्र पौत्रों की? अवश्य। राम, लक्ष्मण को सुमंत्र ने जो दुर्वासा मुनि की भविष्यवाणी वाली बात सुनाई थी वो सत्य है। तुम्हारे दो पुत्र परम प्रतापी और महातेजस्वी होंगे, इस पर कदाचित शंका न करो। तुम चारों भाइयों के दो दो पुत्र होने चाहिए, ऐसा ही विधि का विधान है। इस धरती पर सूर्यवंश का नाश कभी नहीं होता। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत से पहले सूर्यवंश का एक राजा हिमालय में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है, और फिर सत्ययुग के आरंभ होते ही वो फिर से सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर त्रेता युग में तुम अवतार लेते हो। इसी प्रकार ये अमर श्रृंखला चलती रहती है, इसलिए अपने वंश और अपने पुत्रों के बारे में कोई शंका न करो राम।
जा रहे हो? छोटे भैया को भी साथ ले जा। देख, छोटा भैया तेरा खिलौना मांग रहा है, उसे दे दो। आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। की सहायता करो, उखल में धान डालो। हाँ, ऐसे इस प्रकार उखल में धान कूटेंगे, फिर चावल निकलेंगे, खीर बनाएंगे, लवकुश तो लोग खीर खाएंगे, खीर खाएंगे ना? हाँ। अरे अरे, इतना नहीं, फिर माँ कैसे कूटेगी? बस थोड़ा थोड़ा। हाँ, छोटे छोटे हाथ है ना तुम्हारे, फिर तुम कैसे करोगे? हाँ बस अब बहुत हो गया, चलो अब तुम लोग जाओ। अरे कहा ना मैंने, अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। अरे वो देखो, वो देखो तुम्हारे मित्र तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। अरे कुश, तू भी कच्चे चावल खाएगा तो फिर लव क्या करेगा? तू तो स्याना बेटा है ना, ऐसा नहीं कर। अब जाओ बेटा जाओ, हाथी के साथ जाकर खेलो। गिर गया। अच्छा अच्छा बेटा, रोते नहीं। लव, चक्र भैया को उठाओ, देखो वो रो रहा है। अमृत है वात्सल्य भरे अनुराग में, भाग से ममता का सुख आता भाग में। जीवन में रंग भरते अंधियारे सदा, सोना कुंदन होता तप कर आग में। लालन पालन में, लालन पालन में सिया के दिन रात निकलते हैं। महलों के पलते हैं। मंगल भवन अमंगल हो
तो दशरथ अजर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए किए की प्यास बुझत न बुझाए।